हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, फाइनली ब्राइटकॉम ग्रुप में आज अपर सर्किट लग गया। सब लोग खुश होंगे क्योंकि सब लोग देख रहे थे ये शेयर ऊपर जा रहा है, वो शेयर ऊपर जा रहा है। ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर वही की वही घूम रहा था और आज फाइनली काफ़ी दिनों बाद हमें अपर सर्किट देखने को मिला। तो कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू एवरीवन, क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप में अब लग रहा है कि तेज़ी बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी, आइए जानते हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप में आज 17 रुपीज़ 65 पैसे पर क्लोजिंग दिया, 5% का सर्किट लगा और आज भारी भरकम एमओ लगी हुई है। 6,24,000 शेयर्स की एमओ ऑर्डर लगी हुई है। एनएससी और बीएससी मिलाकर करीब करीब 1,95,00,000 शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ, वॉल्यूम हुआ है, जो कि आज वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने को मिला। और डिलीवरी परसेंटेज था 57%। जी हाँ, डिलीवरी परसेंटेज आज भी कम था जबकि आज अपर सर्किट लगा। और ये तेज़ी कहाँ तक चल सकती है, तो ये तेज़ी हो सकता है 20 रुपये पहला जो हर्डल है वो क्रॉस करें, तो अगला हर्डल रहेगा 22 रुपीज़ का। वहाँ तक तो जाने दीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि ब्राइटकॉम ग्रुप में अपर सर्किट लग गया? तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी थी और तेज़ी का फ़ायदा आज ऑपरेटर लोगों ने उठाया। अगर आप आज ब्राइटकॉम ग्रुप का आज का चार्ट देखोगे तो उन्होंने नीचे से जो है एकदम हेवी बाइंग करना शुरू कर दिया, अपर सर्किट पे पहुंचा दिया और हरदम के स्टाइल से क्या किया, बीच बीच में आप देख रहे होंगे सर्किट टूट रहा था फिर सर्किट लग रहा था, सर्किट टूट रहा था फिर सर्किट लग रहा था। उसका कारण ये था कि ये लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर लोग नीचे से उठाते हैं कम रेट में और फिर ऊपर ले जाकर बेच देते हैं पूरा या आधा होल्डिंग। तो उनको उसके कारण उनको क्या होता है, आज के आज ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि ये लोग लाखों करोड़ों शेयर उठाते हैं तो इनको एक ही दिन में लाखों रुपए मिल जाते हैं। तो वो देखते हुए आज इसमें इस अपर सर्किट लगा है, मार्केट में तो जो तेज़ी है उसका फ़ायदा ऑपरेटर लोगों ने उठाया। बाकी अभी तक कंपनी की ओर से क्वार्टर टू के रिजल्ट की कोई अपडेट नहीं है, ना ही सीईओ सीएफओ ऑडिटर ऐसी कोई न्यूज़ आई है। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए कि आज कोई न्यूज़ है क्या, ब्राइटकॉम ग्रुप में अपर सर्किट क्यों लगा? तो फ्रेंड्स, ये तो जो होता है ना, ये बस एक ऑपरेटर लोग अपना फ़ायदा करा लेते हैं कि क्या सेंटीमेंट थोड़ा सा अभी फिर से पॉजिटिव होने लग गया है, बुलिश सेंटीमेंट मार्केट में आ गया है, तो उसका फ़ायदा लेते हुए उन्होंने आज अपर सर्किट लगवा दिया। और जो बीच बीच में सर्किट खुल रहा था वो इसीलिए खुल रहा था कि ये क्या करते हैं, स्ट्रांगली अपर सर्किट लगवा देते हैं, फिर जो रिटेल इन्वेस्टर जब बाइंग के लिए होल्ड जो है लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ये लोग बेच कर अपना होल्डिंग, मे बी हाफ होल्डिंग या 75% या 100% होल्डिंग बेचकर निकल जाते हैं। बट कोई बात नहीं, हमें तो तेज़ी से मतलब है, तो अभी तेज़ी अभी एम ऑर्डर लगी हुई है। आशा करते हैं कि कल भी मार्केट तेज़ी में रहे, और अगर तेज़ी में रहा मार्केट तो कल भी हो सकता है हमें अपर सर्किट देखने को मिले, और इसी बीच कोई बड़ी धमाकेदार न्यूज़ कंपनी की ओर से आ जाए तो फिर तो ये सर्किट रुकने का नाम नहीं लेगा। तो आशा करते हैं कि कल तक कोई बड़ा और पॉजिटिव जो है अपडेट कंपनी की ओर से आ जाए, या फिर मार्केट में भयंकर तेज़ी बनी रहे जिसके कारण ब्राइटकॉम ग्रुप में तेज़ी बनी रहे। क्वार्टर टू के रिजल्ट तो अच्छा आने की उम्मीद है, बट डेट डिक्लेयर हो जाए तो वो भी काफ़ी बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप की तेज़ी नॉनस्टॉप ऊपर जाने के लिए। तो आशा करते हैं कि ये जो अपर सर्किट का दौर है ये चलता रहे और जो लोगों को लॉस हो रहा था उनका लॉस कम होता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।